आज के इस संगीतमय कार्यक्रम की जो अंतिम और विशिष्ट प्रस्तुति को लेकर हम बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हैं, एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्षों पहले जब हमारे संगीत गुरु श्रद्धेय पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जी ने इस संगीत कला केंद्र का ये छोटा सा पौधा था जब उसको आरोपित किया, उसके बाद यह पल्लवित होकर आज संगीत कला केंद्र के रूप में हम सब जानते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इसको ले जाने का जो कार्य किया पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर जी ने किया। और इस प्रस्तुति में मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इनका जो डेडिकेशन है संगीत परिवार का, संगीत कला केंद्र का, वो साफ दिखाई देता है। बेशक केशव जी इस समय भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो कहना चाहिए खुशबू है, महक है, और उनका जो वर्चस्व है वो सब हमारे बीच में है, क्योंकि उन्होंने कभी भी रुकने का नाम नहीं लिया। रुकना नहीं, ठहरना नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाना है, ये उनका मोटिव था। रुकना नहीं, ठहरना नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाना है, कितनी भी परेशानी हो तू गम ना कर, क्योंकि हर पतझड़ के बाद बरसात को तो आना है। इसी सिद्धांत के साथ केशव जी ने अपने आप को समर्पित किया संगीत के प्रति। तो मैं इस रचना के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट रचना है, जैसा कि आजकल के दौर में हम लोग संगीत में मेडली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेडली में यह होता है कि एक के बाद एक दूसरी तरह की रचनाओं में हम प्रवेश करते हैं, वैसे ही रागों को इसमें समायोजित किया गया है। बहुत ही सुंदर छोटी छोटी रचनाएं हैं रागों की, वैसे भी रागों का एक प्रहर होता है सुबह से लेकर शाम तक का, तो यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि सुबह से लेकर यानी प्रातःकाल से सांध्यकालीन रागों पर आधारित कुछ मौलिक रचनाएं प्रस्तुत होने जा रही हैं। पहली रचना श्रद्धेय पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जी की है, जो सरस्वती माता के रूप में है, राग बसंत मुखारी में। दूसरी रचना पंडित केशव जी की रचना है, राग बिलासखानी तोड़ी में निबद्ध है। एक और रचना सांवरे सो नेहा लगाए पंडित रघुनाथ जी की है, यह रचना राग अहीर भैरव में होगी। और राग अलहिया बिलावल में गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, श्रीमती प्रतिभा केशव तलेगांवकर जी की यह रचना है जो आप अभी सुनने जा रहे हैं। राग पटदीप सगुण साकार गुरु की महिमा अपरंपार, ये रचना भी प्रतिभा जी की ही लिखी हुई है, संयोजन भी आपने किया है, संवादनी पर पंडित रविंद्र तलेगांवकर और तबले पर आपके समक्ष हैं शुभ्रा तलेगांवकर और पवन कुमार जी, और प्रस्तुति जतिन नागरानी और गोपाल मिश्रा जी की है। तो आइए प्रातःकाल से सांध्यकालीन रागों पर निबद्ध ये मिश्रित रचना और एक बहुत ही सुरम्य रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है, आनंद लेते हैं। हेलो, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं बस आप सबकी आज्ञा चाहता हूं और जो भी त्रुटि हो मैं क्षमा करना, अभी हम सीख ही रहे हैं। जो कुछ भी कराया गुरु माँ गुरु जी का ही आशीर्वाद है, तो आप सबकी आज्ञा से हम शुरू करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। आज जो भी अच्छा होगा वो सब गुरुजनों का होगा और जो भी गलती होगी वो हमारी होगी, इसी आशा के साथ शुरू करते हैं। तुम
जोड़ हाथ विनती
मन और कर्म वचन से अर्पित निश्चल
निर्मल भाव से हो जो समर्पित बहे ज्ञान की धार सगुण साकार गुरु की महिमा परंपार सगुण साकार गुरु की मन और कर्म वचन से अर्पित निश्चल भाव से हो जो समर्पित बहे ज्ञान की धार बहे ज्ञान की धार बहे ज्ञान की धार सगुण साकार गुरु की महिमा परंपार सगुण साकार गुरु की महिमा परंपार सगुण साकार सगुण 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 साकार 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 गुरु।